सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं आ जज सिंह चाहल अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसान मोर्चे दी जिस दे विच बंगाल वाला मोर्चा मोदी सरकार नूं काफ़ी चुभण लग पिआ है। नरेंद्र सिंह तोमर दे वल्लों तिखी बयानबाजी किसानां दे खिलाफ कर दित्ती गई है। हुण अपने ही भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं खतरनाक चेतावनियां दिंदे किसानी अंदोलन बारे दिखाई दिंदे ने। भगवंत मान ने मोदी सरकार दीआं नवीआं नीतीआं दी पोल खोल के रख दित्ती है। सुखबीर सिंह बादल फिल्मी अंदाज दे विच विधानसभा चोणां दे लई उम्मीदवारां दा ऐलान करदे देखे जा सकदे ने। तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं किसानी मोर्चे तो। पांच सूबों के चोणा हो रही ने, किसानों ने ऐलान किया कि जेकर मोदी सरकार साडियां मंगा नहीं मान रही है तो इन्हों असी वोट की चोट मारांगे। लग रहा है कि इस जड़ी मुहिम छेड़ी गई है किसानों के वलों इसका व्यापक असर मोदी सरकार से हुंदा देखिया जा रहा है। पछमी बंगाल के वड्डे किसान आगुआ के वलों पक्के तौर पर डेरा ला लिया गया है। वड्डियां वड्डियां रैलियां महापंचायतां पछमी बंगाल दे विच कीतियां जा रही ने, पैदल मार्च किए जा रहे हैं, रोड शो कढ़े जा रहे हैं, नुक्कड़ मीटिंगां पछमी बंगाल दे विच कीतियां जा रही ने। अते इको ही संदेश जिथे भी किसान जाते हैं यह संदेश दिता जा रहा है कि होर किसी नूं भी वोट पा दिओ पर बीजेपी नूं वोट बिल्कुल ना पायो। भावें कि भाजपा लीडरां दे वल्लों कहा जा रहा है कि सानूं इस दे नाल कोई भी फर्क नहीं पैंदा पर जदों चोणां चल रही हुंदियां ने तां एक एक वोट मायने रखती हुंदी है पोलिटिकल पार्टियां दे। लगता है कि बंगाल का पक्का मोर्चा हुण बीजेपी नूं चुभण लग पिया है। इसे करके काफ़ी तिखी भाषा हुण बीजेपी लीडरां दे वल्लों किसान आगुआं दे लई वरती जाण लग पई है। पंजाब भाजपा के लीडर हरजीत सिंह गरेवाल ने तो काफ़ी तिखी बोलबाणी वरती ही सी। हुण वारी देश दे खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की आ गई है। नरेंद्र तोमर ने किसानां दे बंगाल मोर्चे बारे बोलदिआं इत्थों तक कह दिता कि एवें बंगाल जाके पत्थरां च सिर मारदे फिरदे ने, अपने फैसले इन्हां कोलों लै नहीं जांदे अते दूजियां दा ठेका लैंदे फिरदे ने। अजिही भाषा नरेंद्र सिंह तोमर दे वल्लों किसान आगुआं दे लई वरत दित्ती गई है क्योंकि भाजपा नूं इस वेले लगता है कि जिवें पक्का मोर्चा उन्हां सूबियां दे विच जाके किसानां ने खोल दिता है उस दे नाल जिन्ना भी नुकसान होएगा वह नुकसान सीधे तौर पर भाजपा नूं ही होना है क्योंकि विरोधी पार्टियां नूं भावें वोट पाउण दी अपील किसानां दे वल्लों नहीं की जा रही है। यह नहीं दस्या जा रहा है कि वोट पाउणी किस नूं है पर इन्ना तां दस्या जा रहा है कि वोट किस नूं नहीं पाउणी है भाव भाजपा नूं वोट नहीं पाउणी है। इस करके ही लगातार भाजपा लीडरां दे वल्लों किसान आगुआं दे बंगाल मोर्चे नूं लैके खास तौर पर तिखी बयानबाजी की जा रही है। पछमी बंगाल का जिक्र ज़्यादातर भाजपा लीडरां वल्लों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बाकी सूबियां दे विच माहौल बिल्कुल पता ही है, पहलां तो ही पता है कि कित्थे किसे दा पलड़ा भारी है पर पछमी बंगाल दे विच कुछ भी पता अजे तक नहीं लग रहा कि किसे दा पलड़ा भारी है। बीजेपी ने साफ किया है कि वह बहुमत दे नाल पछमी बंगाल दे विच सरकार बनाउणगे पर जिवें किसानां ने जाके मोर्चा खोल दिता है उन्हां नूं अपने दावे की हवा निकलती दिसदी है। इसे करके ही किसानां दे खिलाफ लगातार बीजेपी लीडरां दे वल्लों अग उगली जा रही है। जिहड़े लोग पछमी बंगाल विच नहीं जिहड़े बाहर दे लोग ने बाकी देश दे जिवें कि पंजाब अते हरियाणा दे लोग वह जानना चाहते हैं कि जिवें किसानी अंदोलन का असर पूरे उत्तर भारत दे विच बहुत जबरदस्त तरीके नाल हो रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कि पछमी बंगाल के लोग भी किसान आगुआ का स्वागत कर रहे हैं, किसानी अंदोलन की सपोर्ट करते हैं। तो इसकी जानकारी किसान आगू अभिमन्यू कुहाड़ के वलों किसान एकता मोर्चा के जरिए दे दिती गई है। उन्होंने बिल्कुल निरपक्ष तरीके नाल दसन की कोशिश की है कि किन्ना क लोगों के वलों किसानी अंदोलन का साथ पछमी बंगाल के विच दिता जा रहा है। अभिमन्यू दसदे ने कि भाषा दे करके बहुत सारे लोगों तक अजे तक किसानी अंदोलन के कारण भावें नहीं पहुँच सके चंगी तरह पर जदों दिल तो कोई गल दसी जाती है अते अगला भी दिल नाल ही उस गल नूं सुनदा है तो भाषा का बैरीयर विच नहीं रह जाता। इस करके पछमी बंगाल के बहुत सारे लोग इस गल तो जागरूक ने कि यह किसानी अंदोलन क्यों चलाया जा रहा है। इस करके ही जिहड़ियां भी जन सभावां किसान आगुआं दे वल्लों पछमी बंगाल विच कीतियां जा रहियां ने उन्हां दे विच भरवीं शमूलियत पछमी बंगाल के लोगों के वलों की जा रही है। मतलब कहण दा ए है कि किसान आगू जिहड़े बंगाल विच गए ने उत्थों दे वसनीकां दा
सही सही समर्थन पूरी तरह किसान आगुआ नूं मिलदा दिस रहा है। उवें ते नहीं मिल रहा जिवें उत्तरी भारत दे विच मिलदा है, पर हाँ बहुत वड्डी गिणती दे विच पछमी बंगाल दे लोक भी किसानी अंदोलन की सपोर्ट विच आउंदे देखे जा सकदे ने। जदों पहले दिन किसान आगू पहुंचे सन उदों घट इकट्ठ होया सी, हते हुण ज्यों ज्यों लोकां नूं पता लग रहा है जिवें प्रचार गड्डियां 294 विधानसभा हलकियां दे विच पछमी बंगाल दे विच तोर दित्तियां ने, उस तों बाद लोकां नूं होर पता लगता जाता है अते इकट्ठ हुण वध होण लग पए ने। अते लगातार जिन्नी देर तक प्रचार चोण जाबते दे विच दस्या होया कि कर सकदे हो उन्नी देर तक भाजपा दे खिलाफ प्रचार किसानां दे वल्लों कीता जाएगा, यह वड्डा ऐलान कर दिता गया है। पंजाब भाजपा दे लीडर हरजीत गरेवाल दे वल्लों किसानां दे खिलाफ गलत शब्द वरते गए सन, इन्हां नूं कौण पुछदा है, एवें ही तुरे फिरदे ने, इह तां माओवादी ने, इन्हां दी पोल खुल चुकी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल दे कोलों पुछ लिया गया कि हरजीत सिंह गरेवाल दीआं इन्हां गल्लां बारे तुहाडा की कहना है, तां उन्होंने पत्रकारां नूं ही एक सलाह दे दित्ती। ओह कहिंदे ने बेवकूफ बंदा है, एवें सीरीयसली लई जांदे हो, इस दीआं गल्लां नूं इन्नी गंभीरता नाल ना लिया करो, पता नहीं कित्थे बैठा हुंदा है अजीब बयानबाजी करी जांदा है, बेवकूफ बंदिआं दीआं गल्लां दा गुस्सा नहीं करीदा हुंदा, उस नूं छड्डो परे। इस तरह बेइज्जती करदे किसान आगू पंजाब भाजपा दे लीडरां दी देखे जा सकदे ने, अते लगातार विवादित बयान भी किसान आगूआं दे बारे भाजपा लीडरां वल्लों दित्ते जा रहे ने। अगे वधदे हां, जेकर किसानां दे वल्लों लगातार मोदी सरकार नूं चेतावनियां दित्तियां जा रहियां ने कि साडियां मंगां पूरियां करो नहीं तां होर वी तिक्खा संघर्ष करांगे, वोट दी चोट तां मारन नूं पहलां ही किसान तैयार ने, तां दूजे पासे हुण मोदी सरकार दे अपने ही बहुत खतरनाक चेतावनियां देण लग पए ने। मेघालिया दे गवर्नर सत्यपाल मलिक दी एक वीडियो सोशल मीडिया ते अग दी तरह वायरल हुंदी देखी जा सकती है, जिस दे विच ओह एक प्रोग्राम दे विच बोल रहे ने अते बोलदिआं बोलदिआं उन्होंने किसानी अंदोलन का जिक्र करना शुरू कर दिता। कहिंदे ने कि तुसीं पता नहीं सिखां नूं जाणदे हो जां फिर नहीं, पर मैं इन्हां नूं चंगी तरह जाणदा हाँ, ये लोग घट्टो घट 300 साल तक गल नहीं भुलदे कि इन्हां नाल किसे ने की कीता है। इस करके मोदी सरकार इन्नी गल ध्यान विच रखे कि दिल्ली दे बार्डरां तों किसानां ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सत्यपाल मलिक कहिंदे ने उन्होंने इंदिरा गांधी की उदाहरण दे दिती है, कहिंदे ने कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस दे विच श्री अकाल तख्त साहिब ते टैंकां तोपां दे नाल हमला कर दिता गया सी, उस तो बाद इंदिरा गांधी दे वल्लों अपने फार्म हाउस दे विच एक महीने तक लगातार यज्ञ करवाया गया सी। जदों परिवारक मैंबरां ने पुछया कि तुसीं तां यज्ञ दे विच यकीन नहीं रखदे फिर क्यों करवा रहे हो, तां कहिंदे ने इंदिरा गांधी ने जवाब दिता सी कि मैं उन्हां दा अकाल तख्त तोड़ दिता है, वह मैनू नहीं बख्शणगे, वह मैनू नहीं छड्डणगे। ये कहानी सुना के ये गल सुना के चेतावनी देण दी कोशिश सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार नूं कीती है कि इंदिरा नूं भी नहीं बख्शिया सी। एक उदाहरण होर भी दे दित्ती, कहिंदे ने कि जनरल वैद्या नूं भी सिखां ने नहीं बख्शिया सी, इस करके जिन्ना लम्मा इस किसानी अंदोलन नूं खिचोगे उन्ना ही ये ज़्यादा खतरनाक हुंदा जाएगा। इन्हां दीआं मंगां मन लैणियां चाहीदियां ने जां फिर किसे होर तरीके नाल इस मसले नूं सुलझा लैणा चाहीदा है, पर बल प्रयोग नहीं करना चाहीदा, इन्हां दा अपमान नहीं करना चाहीदा, इन्हां नूं खाली हथ घरां नूं वापस नहीं भेजना चाहीदा। कहिंदे ने कि MSP नूं लैके कानूनी गरंटी दे देनी चाहीदी है अते बाकी किसान भी खेती कानूनां बारे सोधां लई मन सकदे ने, कोई ना कोई हल तां निकलेगा ही, पर जेकर सरकार सोचदी है कि बल प्रयोग करके इन्हां नूं घरां नूं भेज देवांगे तां सरकार नूं इदां नहीं करना चाहीदा। बहुत सख्त चेतावनी सत्यपाल मलिक दे वल्लों मोदी सरकार नूं दे दित्ती गई है। दावा उन्होंने यह भी किया है कि इस अंदोलन बारे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते देश दे गृहमंत्री अमित शाह दे नाल भी गल कीती है, पर लगता है कि वह मेरी गल नहीं मन रहे। सत्यपाल मलिक का यह बयान सामने आने तो बाद पूरे भारत दे विच तड़थली मचदी दिखाई दिंदी है। अगली खबर दे वल वधदे हां, जेकर गल पूरे भारत की कर रहे हैं
ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ UFBU ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ UFBU ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 14% ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 12% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ FCI ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ NRI ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ FCI ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ
कैप्टन सरकार दे वल्लों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, चार साल दियां कारगुजारियां दसनियां ने कि की कुछ किया है, प्राप्तियां दसनियां ने। उस दे लई उन्होंने पत्रकारां दे कोलों पहले ही सवाल मंग लए, दस दियो की कुछ पूछना है, मैं तैयारी करके आवांगा। इस नूं लैके भगवंत मान ने निखेधी की है कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, अते कुछ सवाल भी, कुछ कौड़े सवाल भी भगवंत मान दे वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री तो पूछ लए गए ने। भगवंत मान ने सब तो पहला सवाल पूछा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब दे लोकां नाल वादा कीता सी कि मैं बेअदबी कांड दे दोषियां नूं जेलां विच सुट्टांगा। भगवंत ने पूछ लिया है कि कैड़ी जेल दे विच बेअदबी दे दोषी कैप्टन ने सुट्टे ने। दूजी गल कहिंदे ने चार हफ्तियां दे विच नशा खत्म कर देंगा, ये वादा कीता सी कैप्टन ने, दसण कैड़ी जेल दे विच नशे दे वड्डे सौदागर सुट्टे ने। तीजी गल कहिंदे ने घर घर नौकरी का वादा कीता सी कैप्टन, पंजाब दे 12,000 पिंडां दे विचों एक भी पिंड दस देन मैं उन्होंने नाल चलांगा, अते उस पिंड दे विच जेकर एक भी बेरोजगार नू कैप्टन ने नौकरी दिती होवे तां मैं उन्हां दा देनदार होवांगा। ये वड्डा चैलेंज भी भगवंत मान दे वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नू कर दिता गया। नाल दी नाल जिहड़े होर भी वादे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कीते गए सन उन्हां नू लैके भी सवालां दे घेरे विच घेरिया है भगवंत मान ने। प्रशांत किशोर दे मंत्रालय दा की नाम है ये भी पूछ लिया, कहिंदे ने कि नवीआं गप्पां बणाऊ मंत्रालय है जां फिर लोकां नूं वरगलाऊ मंत्रालय है। नाम तां दस देण कि किस मंत्रालय दे आधार ते कैबिनेट रैंक प्रशांत किशोर नूं दित्ता गया है। इस तरह तिखे सवालां दी झड़ी भगवंत मान दे वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते ला दित्ती गई है। 21 मार्च नूं मोगा दे बाघा पुराणा दे विच किसान महापंचायत करन दा ऐलान आम आदमी पार्टी वल्लों कीता गया है। भगवंत मान कहिंदे ने कि केजरीवाल ही है जिहड़ा मोदी नूं टक्कर दे सकदा है, अते जेकर मोदी सरकार सोचदी है कि किसानी अंदोलन फेल हो गया है, गलत है, सगो किसानी अंदोलन फेल नहीं होया, सगो होर भी फैल गया है, फेल नहीं होया, फैल गया है। ये नारा भगवंत मान दे वल्लों दिता गया, कहिंदे ने पहला पंजाब च सी, फिर हरियाणा च सी, फिर उत्तर प्रदेश सी, अते हुण बंगाल तक फैल गया है किसानी अंदोलन। मोदी सरकार झूठ बोल रही है अते उन्हां दा सरकारी मीडिया भी झूठ बोल रहा है कि किसानी अंदोलन फेल हो गया है, सगो ये तां होर भी फैल गया है। कांग्रेस पार्टी ने भगवंत मान नूं जवाब दे दिता है। डॉक्टर राजकुमार वेरका कहिंदे ने कि जेकर केजरीवाल पंजाब दे विच किसानां दा पक्ष पूरन आ रहा है तां कांग्रेस पार्टी उन्हां नूं अपील करदी है कि वह नोटिफिकेशन भी नाल लई आउण जिहड़ा कि उन्हां ने दिल्ली दे विच इन्हां तिन्नां कानूनां दे विचों एक नूं लागू करन दा जारी कीता सी। दिल्ली सरकार ते इह इल्जाम लगदे ने कि उन्हां ने तिन्नां खेती कानूनां दे विचों एक कानून नूं अपने सूबे दे विच भाव दिल्ली दे विच लागू भी कर दिता है। वेरका कहिंदे ने कि वह नोटिफिकेशन लैके आउण, जेकर ना लैके आए तो असी फिर मीडिया नूं वह नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, केजरीवाल की पोल खोलांगे। ये ड्रामेबाज ने किसानां दी, इन्हां नूं कोई भी परवाह नहीं है। अगली खबर दे वल वधदे आं, गल करदे आं श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल दी, जिहड़े कि पंजाब दे विच सरकार बनाउण लई कुछ ज़्यादा ही काले जापदे ने। अजे साल पिया है वोटां नूं, अते साल पहलां ही उन्होंने उम्मीदवारां दा ऐलान करना भी शुरू कर दिता है। एक दिन पहलां ही जलालाबाद दे विच उन्होंने अपने आप नूं उम्मीदवार ऐलान दिता, अते हुण दूजी रैली पंजाब मंग दा जवाब नां दी मुहिम शुरू की गई है। 117 हलकियां दे विच कहिंदे ने रैलियां करांगा। दूजी रैली उन्हां दे विचों तरन तरन दे खेम करन दे विच कीती गई, अते उत्थे भी फिल्मी अंदाज दे विच खेम करन दे उम्मीदवार दा भी ऐलान कर दिता। अंदाज की है तुहानू दिखाउणा बहुत जरूरी है। अच्छा एक दस्सिओ मैनू एक गल दस्सिओ यार, एक खेम करन हल्के दा आउण वाले इलेक्शन च लड़न वास्ते किहड़ा उम्मीदवार तुहानू चाहीदा? पहला उम्मीदवार तो मैं अपने आप नूं ही करता सी। तो अज मैं ऐलान करदा कि आने वाली इलेक्शन विच खेम करन तो श्रोमणी अकाली दल दा उम्मीदवार विरसा सिंह। जिस
तरीके सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों रैलियां दे विच लोकां नूं पुछ पुछ के सीधे तौर पर अपने उम्मीदवारां दा ऐलान साल पहलां ही किया जा रहा है। विरोधी पार्टियां इस दी खिलाफत करदियां देखियां जा सकदियां ने। आम आदमी पार्टी वालों यूथ विंग दे प्रधान मीत हेर दा कहना है कि इस तों पता लगता है कि बादल परिवार श्रोमणी अकाली दल दे विच तानाशाही चलाउंदा है, जबकि ये फैसले टिकटां वंडण वाले फैसले कोर कमेटी दीआं मीटिंगां विच लैणे हुंदे ने, सारिआं दी राय लैणी हुंदी है, पर सुखबीर सिंह बादल इकल्ला ही स्टेजां तों ऐलान करी जांदा है, इस तों पोल खुल जांदी है, पर इन्हां दी सरकार नहीं आउणी, क्योंकि पंजाब दे लोक 10 साल इन्हां दी सरकार दे विच भी संताप हंडा चुके ने, 4 साल हुण कैप्टन नूं भी देख चुके ने, इस करके इन्हां दोनों पार्टियां दी 2022 दीआं चोणां दे विच दाल नहीं गलनी है। आप दा दावा है सरकार साडी बननी है। सुखबीर सिंह बादल बारे कांग्रेस पार्टी दा भी प्रतिक्रम आ गया है। कांग्रेस पार्टी दे बुलारे डॉक्टर राजकुमार वीरका कहिंदे ने कि जिहड़ियां टिकटां जिहड़ी फिल्म दीआं टिकटां सुखबीर सिंह बादल रैलियां दे विच वंडी जांदे ने, इह तां फिल्मी फलॉप है। जिन्नियां मर्जी टिकटां वंडी जाण, किसे ने भी इस फिल्म नूं वेखण लई नहीं आउणा, लोकां ने इन्हां नूं मूंह नहीं लाउणा। एवें ही सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों टिकटां वंडियां जा रहियां ने। खेम करन बारे बोलदिआं डॉक्टर राजकुमार वीरका ने दावा कीता है कि साल पहलां इस टिकट दा ऐलान सुखबीर सिंह बादल ने इस लई कीता है क्योंकि उन्हां दे जीजा आदेश प्रताप कैरों ने ऐलान कीता सी कि खेम करन तों इस वार उन्हां दे परिवार दा कोई मैंबर भाव सुखबीर सिंह बादल दी भैण खेम करन तो चोन लड़ेगी, इस करके ही अपने जीजे के खिलाफ ऐलान सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों विरसे सिंह वलटोए नूं अगे करके कर दिता गया। इस करके परिवारिक कलेश दे करके सुखबीर बादल ने यह ऐलान किया है, ये दावा कांग्रेस पार्टी दे वल्लों कर दिता गया है। पर सुखबीर सिंह बादल सरकार बनाउण लई काफ़ी ज़्यादा उतावले हुंदे देखे जा सकते हैं। सो यह सन कुछ वो खबर जो तुहाड़े तक पहुँचाउणियां बहुत जरूरी सन। इन्हां खबरों विचों किसी खबर बारे जां फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाड़ी कोई भी राय जां सुझाव है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। चैनल ते जेकर नवे आए हो सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लैणा। फेसबुक ते देख रहे हो पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।